विपिन पबी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई सालों से इस तरीके की जो कबूतरबाजी के केसेस आते हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। अमरजीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये इमिग्रेशन सलाहकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। विपिन पबी साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, हरियाणा की हम बात कर रहे थे लेकिन हरियाणा, पंजाब, उसके बाद गुजरात की अगर बात करें, यहां पर इतने ज्यादा ये केसेस होते हैं अलग अलग तरीके से लोगों को अभी तक फंसाने के बाद, और सालों से ये स्टोरीज चली आ रही हैं, सालों सरकारें कह रही हैं कि इन एजेंटों पर हम लगाम कसेंगे, पर जब तक कोई हादसा नहीं होता हम फिर से वही बात करते नजर आते हैं। हाँ जी अंकित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कई सालों से ये ट्रेंड जो चल रहा है कि बहुत सारे खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के जो यूथ हैं उनका एक एक ही एम है कि हम बाहर जाएं, और इस चीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत सारे ट्रेवल एजेंट्स हैं जो ये लगातार इस तरह के इलीगल वेज से इन यूथ को वहां पर भेजते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि सरकारों ने कहा है बहुत पंजाब और हरियाणा की कि हमने ये बड़े हम रजिस्टर्ड होंगे ट्रेवल एजेंट्स, उनके थ्रू ही भेजेंगे, और इस तरह की कई तरीके उन्होंने जो प्रोमिसेस करते हैं, लेकिन फिर भी देखने में आया है कि जैसे आपने अभी करेक्टली कहा कि कई सालों से ये एक ट्रेंड बन गया है कि ये ट्रेवल एजेंट्स ऐसे जो भोले भाले ग्रामीण हैं या और भी लोग हैं उनको वो इस तरह का एश्योरेंस देके कि हम आपको कनाडा भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे या यूएस भेज देंगे, और इस तरह की चीटिंग की खबरें ऑलमोस्ट हर हफ्ते आती हैं, हर हफ्ते आती हैं। तो या तो वो जो एजेंट्स जो हैं या उनको इस तरीके से लेकर जाते हैं कि दुबई, लीबिया या ईस्टर्न यूरोप की कुछ कंट्रीज के थ्रू लेकर जाते हैं, या कईयों को वो बोट्स के थ्रू लेकर जाते हैं। तो वो सारी चीजें जो बहुत सीरियस चली आ रही हैं उसके बारे में गवर्नमेंट कहती तो है कि हम एक्शन ले रहे हैं, लेकिन लगता है कि जैसे ये ट्रेंड बढ़ी जा रहा है पिछले कुछ सालों में, लगता है कि गवर्नमेंट उतने एडिक्वेट स्टेप्स नहीं ले रही जितने उनको लेने चाहिए। अमरजोत सिंह जी, अगर इस समय इस पंजाब में, हरियाणा में लोग आपको अगर सुन रहे होंगे तो क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे, किस तरीके के साइंस होते हैं या किस तरीके के एजेंट से लोगों को बचना चाहिए? क्योंकि वादे वो कर देते हैं आपको, यूएस भेज देंगे, सीधा चले ले जाएंगे और यूरोप ले जाएंगे, और उसके बाद उनसे बस पैसे ऐंठते रहते हैं एक के बाद एक, अलग अलग इसमें कई सारे गिरोह बने हुए, एक दूसरे को लोगों को बेच दिया जाता है और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। सर ऐसा है कि पंजाब और हरियाणा में जो रुझान चल रहा है ना बाहर जाने का, विदेश जाने का, ये आज का नहीं है, पता नहीं कितने साल से इसमें हम देख रहे हैं, और दुनिया को पता है कि यहाँ के लोग किसी भी कीमत पे बाहर जाने को आमादा हैं, चाहे अपना घर बेचना पड़े, चाहे उनको जमीन बेचना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपने आप को बेचना पड़े, दे विल नॉट विड्रॉ, मतलब उनको जाना ही जाना है। कितनी भी एजुकेशन उनको दे दें, चाहे सरकार की तरफ से, चाहे ट्रैवल एजेंटों की तरफ से, इमिग्रेशन लॉयर की तरफ से, उन्होंने हटना नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक आपको सुझाव या भारत की जनता को सुझाव देना चाहता हूं कि अगर इस चीज को रोकना है तो एजुकेशन के अलावा एक छोटा सा स्टेप हम कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, शायद उससे ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कंट्रोल आ जाए। जब आदमी कोई भी वीजा लेकर जब एयरपोर्ट से निकलता है, जब दिल्ली एयरपोर्ट से निकलता है, तो उसको इमिग्रेशन चेक करानी पड़ती है, चाहे आप दुबई का वीजा लें, चाहे लीबिया का वीजा लें, चाहे अफ्रीका का वीजा लें। तो उस वक्त जब वो इमिग्रेशन जो चेक होती है, जो एक अफसर बैठा होता है, जब उनका पासपोर्ट दिखता है और उसकी शक्ल से उसको जो ट्रैवलर्स है शक्ल से पता लगता है कि पहली बार जा रहा है, मेरे ख्याल है कि वो अच्छा, सबसे अच्छा तरीका है कि उससे दो तीन सवाल पूछने का कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो आप, कैसे वीजा मिला आपको, क्या करने जा रहे हो। मेरा ख्याल है कि 50% वहीं पर लोग पकड़ में आ जाएंगे कि भाई ये ऑथराइज वे में जा रहा है, अनऑथराइज वे में जा रहा है। पर पॉपी साहब, ये पंजाब और हरियाणा की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने कहा कि सरकार और ज्यादा एक्शन लेने चाहिए, एक तो इसका सोशो इकोनॉमिक कारण है, लोगों को लगता है खुशहाली वहां पर है, अपॉर्चुनिटीज इतनी उनको यहां नहीं मिल रही, चाहे वो एग्रीकल्चर की हम श्रिंकिंग एग्रीकल्चर की बात करें या जिस तरीके से और भी लोगों की परेशानियां हैं, क्या इसके लिए जो एजेंट्स हैं सरकार उन पर एक कोई ड्राइव चला सकती है, मुहिम चला सकती है, रजिस्ट्री उनकी करी जाए, एक एक आदमी को वो जिसको भेज रहे हैं उसका कोई कम से कम हिसाब किताब रखा जाए? हेलो, हाँ जी अंकित, ये मेरे ख्याल से कुछ है कि कुछ रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट्स होते हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड होते हैं,
वो चीज इनके पास ये करते हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि आम आदमी को इस बारे में नहीं पता है कौन रजिस्टर्ड है कौन नहीं रजिस्टर्ड है। ज्यादातर जो लोग ये बाहर जाते हैं वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस लेवल्स नहीं होती, उनको सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमारे बच्चों को बाहर जाना है। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये अवेयरनेस जो है ये गवर्नमेंट्स को बहुत पंजाब एंड हरियाणा इनको बढ़ानी चाहिए। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ऐसे ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ जो इस तरह से इलीगल वे से उनको भेजते हैं। अभी तक मेरे को नहीं कोई नजर में है कि बहुत इन्होंने ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन लिया है अगेंस्ट कोई ट्रैवल एजेंट्स, ना द गवर्नमेंट ने ना कोर्ट्स ने, जो बहुत ही एग्जाम्पलरी हो। तो मेरे को लग रहा है कि इस तरह के एग्जाम्पल लेने नहीं, पर चाहिए। जैसे पब्बी साहब जो हम इस केस की बात कर रहे थे जो हरियाणा से आया है, इसमें लोग मारे गए हैं, पता है कि इलीगल रूट से उन्हें भेजा जा रहा है, और उसमें लोगों के पास जो ट्राइबल एजेंट जिससे उन्होंने बात की उससे उसका नंबर भी है, उसका पता भी है, तो सरकार इनके ऊपर क्यों नहीं तगड़ा एक्शन लेती? कंप्लीटली आई एग्री बिल्कुल, इनको सरकार को चाहिए कि एग्जेम्पलरी पनिशमेंट को दी जाए, एग्जेम्पलरी उन पर सेक्शंस लगाए जाएं ताकि इस तरह की जो घटना हो। अभी तक तो बहुत कैजुअली सा ले रहे हैं, बहुत हरियाणा और पंजाब दोनों का ये है कि अभी वो इतना कैजुअली ले रहे हैं। और जैसे अभी मेरे जो साथ में जो और कमेंटेटर हैं उन्होंने भी कहा कि यहाँ के लोग जो हैं वो कुछ भी करने को तैयार हैं कि उनके बच्चे बाहर चले जाएं, और इस डेस्परेशन में वो देखते नहीं कि वो रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है। तो वो सारे जो हैं प्रिकॉशंस इनको लेने पड़ेंगे, चाहे अलग अलग स्टेजेस पर लेने पड़े। मैं एक छोटा सवाल अमरजोत जी से पूछना चाहता हूँ। अमरजोत जी, आप कनाडा में जिस तरीके से इमिग्रेशन की आप सलाहकार भी हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वहां की सरकार, मान लीजिए कनाडा में कोई इस तरीके से दो नंबर से बिना पूरे पेपर करे कैसे भी पहुंच जाता है, तो वहां पर उनको क्या खतरा होता है? लोगों को यह भी तो पता होना चाहिए अगर आप वहां पकड़े जाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। सर, ऐसा है कि दुर्भाग्यवश क्या होता है कि ये जो कंट्रीज है ना, आपने कनाडा, अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यहां पर अगर आप इलीगल पहुंच भी गए तो यहां पर जान का खतरा नहीं है। तो जैसे आपने लीबिया की बात करी और मेडिटेरेनियन की बात करी, वहां तो किश्ती में लोग जाते हैं और डूब जाते हैं अगर निकले भी, और या तो लोग उनको स्मगलर्स मार देते हैं। लेकिन कनाडा में, अमेरिका में जो लोग इलीगल आ जाते हैं, कम से कम उनको एक उनका एक ड्यू प्रोसेस है। उनको अगर वो असाइलम रेफ्यूजी लेना चाहते हैं तो उनका एक प्रोसेस चलता है, उसके हिसाब से अगर वो फेल हो जाते हैं उस एप्लीकेशन में तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो कम से कम एक जान का खतरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इलीगल आए। जैसे कि विपिन साहब ने कहा कि सरकार को एक टाइट करना चाहिए, मैं दावा करता हूं कि आप जितना भी टाइट कर लें, कितना भी इसको आप इंडियन पेनल कोड को सख्त कर दें, ट्रैवल एजेंट्स को उसकी धरपकड़ करें, ये काम ऐसे नहीं आने वाला। क्योंकि जिसको जाना है, और वो टिपिकली जो है अनपढ़ लोग होते हैं, तो अनपढ़ लोग जो होते हैं, जैसे दुकान पढ़े लिखे होते हैं, उनको वो कभी भी रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे भी नहीं। और जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट के पास जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास नॉलेज है, लाइसेंस है, तो वो पढ़े लिखे लोगों से डील करते हैं, तो वहां इतनी गुंजाइश नहीं है कि लीगल काम करेंगे। सो बेटर ये है कि आप एक सुझाव को माने, आप सोचे इसके बारे में। बिल्कुल, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पर जब निकलते हैं, चाहे तो वीजा अफ्रीका का है, चाहे लीबिया का है, चाहे इटली का, कहीं का भी वीजा है, अगर वहीं पर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है अगर शक्ल देखे, बिल्कुल थोड़ा सा एक जायजा लगा ले, एक शायद ट्रेनिंग भी चाहिए हमारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, इस तरह के लोगों को ढूंढने की, डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक बड़ी समस्या है, और इसको इससे लड़ने के लिए ना सिर्फ लोगों को समझाना, उनकी जानकारी बढ़ाना एक कदम है, बल्कि सरकार को भी सख्ती से कुछ नियम कानून बनाने पड़ेंगे जो ट्राइबल एजेंट्स हैं जो इस तरीके की कबूतरबाजी करके लोगों की जान को खतरे में डालकर उनको बाहर भेजने का सपना बेचते हैं।